भारत में महिलाओं के खिलाफ हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। एक ओर सरकार महिला सशक्तिकरण के कदम उठा रही है तो दूसरी ओर घर से बाहर निकलने वाली महिलाओं को सुरक्षा देने में नाकाम है। सोच और हकीकत में इतना अंतर क्यों? इन्हीं सब सवालों के बीच कलंक नाम से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस पैनल डिस्कशन का आयोजन कोलकाता हुनर ने ऑर्गेनाइज किया था, जहां कई सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए और आज की महिलाओं पर अपनी अपनी राय रखी कि कैसे इन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए, कैसे इन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया जाए, कैसे इन्हें इनका हक दिया जाए। इन्हीं तमाम पहलुओं पर चर्चा की गई। आइए जानते हैं, जिस समाज ने अपनी इज्जत का सारा ठेका औरतों के सिर डाल दिया हो और जिस समाज में इज्जत बलात्कारी की नहीं बलात्कार का शिकार होने वाली लड़की की जा रही हो, उस समाज में औरतों के लिए गरिमापूर्ण जगह मुमकिन नहीं। यही नहीं, वे सबसे जरूरी सबसे बुनियादी सवाल जिसे पूछे बिना और जिसका ईमानदारी से जवाब दिए बिना औरतों के लिए एक बेहतर और सुरक्षित समाज बनाने का सपना पूरा हो ही नहीं सकता। यहाँ पे बहुत से मुद्दे उठाए गए, देश क्या वाकई में आज़ाद, तो ये सवाल जो मैं जनता से पूछना चाहूँगी, क्या वाकई में आज़ाद है? मुझे लगता है कि आज़ादी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमने झंडा लहरा दिया और हर घर तिरंगा में हमने सेल्फी डाल दिया, ये हमारे आज़ादी का मतलब नहीं है। ये भी बट और भी बहुत सारे मायने हैं जो हमें आज़ादी का जो मेन अगर हमारे देश में सुरक्षित उनका रेप नहीं होता, उनका बलात्कार नहीं होता, उनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होता, उनके ऊपर किसी भी तरीके का अत्याचार नहीं होता, अगर हमारे देश में किसान नहीं मरते, उनको उनका हक मिलता, उनके हक को रिलायंस ना अडानी अंबानी को ना दे दिया जाए, तो हमारा देश सारे बच्चे अगर शिक्षित हो, गरीबान हो और शिक्षा पाकर उनको वाकई में नौकरियाँ मिल जाए और सारे देश में बच्चों को नौकरी मिल जाए, हमारी हिंसा की तरफ काम कर रहे हैं, एंटी सोशलिज्म की तरफ काम कर रहे हैं, तो हम कहेंगे हमारा देश आजाद है। अगर हमारे देश में खान पान को लेकर किसी भी तरीके की हत्या ना हो, जय श्री राम जबरदस्ती ना बोलो, अल्लाह को बुलवाया जाए, किसी भी मुसलमान को, किसी भी हिंदू को, किसी भी कारण उनके घरों को बुलडोज ना किया जाए, तो हम आज़ाद हैं। ये सवाल एक अपने आप में एक सवाल है, क्या हम आज़ाद हैं? गोरों से हमारे बच्चों ने जो आज़ादी दिलाई थी उसका क्या सही मायने सिर्फ 15 मिनट हो गया है? हम आएंगे, एक गाना गाएंगे, गाना बजाएंगे, पेट्रोलिक सॉन्ग बजाएंगे बैकग्राउंड में और कुछ स्टेज, ये सिर्फ आज़ादी नहीं, आज़ाद हम तब होंगे जब हर घर में किसी भी अत्याचार, हर घर में हर रास्ते पे अगर औरतें 2 बजे रात को निकलेंगे और उनके ऊपर कोई जुर्म नहीं होगा, कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा, कोई रेप नहीं होगा, तो हम आज़ाद हैं। उनको नंगा करें नहीं कराया जाएगा, हम आज़ाद हैं। अगर देश में मंदिर मस्जिद ना खुला जाए, किसी भी कारण से ना घुमाया जाए, तो हम आज़ाद हैं। ये अपने आप ही आज़ादी का मायने जो है वो हमारे अंदर है कि क्या हम आज़ाद हैं। ये समाज हर एक हिंदुस्तानी को अपने आप में करना चाहिए और हमारी आज़ादी किसके वजह से खतरे में है, हमारी आज़ादी को किसने छीन लिया है, ये अगर समाज हमारे जहन में बैठ जाए और पूछने निकले अपनी आज़ादी को, वाकई में आज़ादी को, तो हम कहेंगे ये पहले तो सबके आयोजन से बहुत बहुत स्वागत और आज हम लोग एक प्रोग्राम रखे हैं जो अपने किड्स पैराडाइज में बच्चों को परफॉर्मेंस है वो बच्चे लोग डांस करेंगे और एक छोटी सी प्रोग्राम रखी है। तो अभी मणिपुर में ऐसा बहुत हालात को देख करके लेडीज औरतें आज तक हम लोग को सेफ नहीं, आज़ादी नहीं जी, बहुत शुक्र अदा कर रही हूँ कि वो लोग अपनी इतनी आज की डेट में इतने बिजी शेड्यूल में वो लोग आज टाइम निकाले हैं, उनके लिए बहुत बहुत और मेरी तबीयत 104 फीवर है, फीवर नहीं मतलब अभी फीवर है, फीवर में भी आप यहाँ पर अभी डटी हुई बहुत बहुत मुबारक कि आप कितना फीवर के बाद भी हमने इस तरह का प्रोग्राम किया। ये काजल के कारण
देखिए बहुत ग्रुप्स हैं, जैसे वुमेन कोलकाता हुनर है, बायो की संस्थाएं हैं, वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर बहुत ही तवज्जो देते हैं। तो एक यूनियन ऑल वुमेन का आई डोंट थिंक दैट इज समथिंग दैट इज प्रैक्टिकल, बट वुमेन नीड टू सपोर्ट अदर दैट इज ऑल। अगर एक वुमेन समाज सेविका है उसको भी सपोर्ट करना चाहिए, अगर एक औरतें पॉलिटिक्स में आ रही हैं उनका भी सहयोग करना चाहिए। सच मिसरिप्रेजेंटेशन वुमेन इन पॉलिटिक्स,
लागू हुआ है 33% के जॉब विमेन रिजर्वेशन पार्टनर अभी तक नहीं लागू हुआ। ये लंबी लंबी बातें हैं, दीज ऑल टू टॉक्स, बट नाउ बिटवीन 76-77 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस वी नीड टू सी सम सॉलिड वर्क फॉर विमेन एंड विमेन कैन ओनली बी एम्पावर्ड इफ दे हैव डिसीजन मेकिंग पावर इन पॉलिसी मेकिंग इन पॉलिसी चेंज देन ओनली रियल पावर। Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new-age design. Book now